हेलो एवरीवन, आई एम चिल्बी एंड वेलकम टू माय बीहाइव। सो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू हाउ आई अचीव्ड दिस मेकअप लुक बाय यूजिंग मेकअप फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स। सो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स अभी उन्होंने एज अ पीआर भेजे थे एंड आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई देम ऑन कैमरा। सो ये फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है, मेरा रिव्यू होने वाला है एंड एक ट्यूटोरियल होने वाला है। सो दिस इज नॉट अ पेड कोलैब और अ स्पॉन्सर्ड वीडियो और एनीथिंग लाइक दैट। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई न्यू मेकअप, क्योंकि न्यू मेकअप किसी नहीं पसंद है। तो या आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग आउट 5 ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड कुछ प्रोडक्ट्स बॉम्ब हैं, लाइक दे आर जस्ट सो अमेजिंग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वन प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक। यू आर गोइंग टू नो कि वो कौन सा प्रोडक्ट होने वाला है एंड कुछ प्रोडक्ट्स वर लाइक खैर वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वाइब अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल चिल्बी एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। And also like and share this video with your friends and family. Now without wasting any more time, let's buzz into the video. All right, so मैंने primer लगा लिया है and now we will be trying out this beauty blender from Mars. The packaging is normal, जैसे बाकी beauty blenders की आती है, beauty sponges की आती है, it's same. And wet करने से पहले ये इतना दिखता है, so I am just showing you a close up of how it looks. And now let's see कि ये damp होने के बाद कैसा हो जाएगा. So this is after it is soaked in water. I mean ये काफी ज्यादा बढ़ गया है, now it's like super duper soft. I am thoroughly impressed by this and yeah, now let's see how it works. So मैं अपना सारा foundation अपने neck और अपने face पे dot dot करके लगा लूंगी and then we are going to blend it. So we are going to use the butt of this sponge and let's first impression is that it is leaving quite a texture. I mean it's not completely blended, but yeah, we have to give it some time to give our final judgment. Abhi ke liye it is leaving some texture on my face, which I am not a big fan of. On camera it looks very nice. I mean it could be the foundation also, but the blend looks very nice and smooth. So the foundation blended quite nicely. I mean ye start hua tha kafi texture-y, but it blended really pretty well. I mean my skin is looking very flawless, my foundation is looking flawless, and now it's time for concealer. So I'm just going to do very slowly today because I wanna take my time to do my makeup. So main bahut dheere dheere karke concealer lagane wali hu. So first I have applied it to my T-zone and now I'm going to blend it with the tip and now it's time for our eyes. So iska bhi tip kafi zyada acha hai. I mean it's going good. एंड इनर कॉर्नर्स में मुझे बिल्कुल भी अभी तक तो दिक्कत नहीं हो रही है. सो इट ब्लेंडेड माई कंसीलर ऑल्सो वेरी वेल. इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, इट ब्लेंडेड परफेक्टली. आई एम लाइक रियली रियली हैप्पी हाउ इट ब्लेंडेड. इट्स नथिंग स्पेशल, बट इट्स जस्ट के जो फाउंडेशन में मुझे टेक्स्चर आया था वो मुझे कंसीलर को ब्लेंड करते टाइम नहीं आया. एंड नाउ लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स विद अ पाउडर, लाइक अ कॉम्पैक्ट पाउडर एंड नॉट अ लूज पाउडर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रब इट इन और अब मैं इसे प्रेस करने वाली हूँ अपने आईज के नीचे. Oh, it picked quite a lot. ये कभी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता है मुझे, लाइक लूज पाउडर से इतना ज़्यादा आता है, बट इट पिक्ड अ लॉट. ओह, आई लाइक इट. आई नीड टू डस्ट दिस पाउडर ऑफ. इसने काफ़ी ज़्यादा पिक कर लिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि डैम्प स्पंज से इतना ज़्यादा आएगा. एंड आई डोंट वॉन्ट टू बेक माई आईज, सो या. So my base is finally done and I want to give this Mars Wonder Blender a 9 out of 10. एक मार्क मैं बस इसलिए काट रही हूँ बिकॉज फाउंडेशन करते वक्त मुझे थोड़ा सा पैची लगा था. अदरवाइज इट जस्ट अ नॉर्मल स्पंज. इट इज गुड इफ यू आर ऑन अ बजट. इट इज क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो. एंड या, दैट वॉज द ब्लेंडर. सो या, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर कॉन्टूर. एंड फॉर कॉन्टूर आई एम नॉट गोना यूज माई रेगुलर कॉन्टूर और ब्रॉन्ज. आई एम गोना यूज दिस Mars बैक टू बेसिक्स पैलेट. इट हैज 12 शेड्स. And it's an eyeshadow palette, it's not a face palette. And let's just open it. I see some brown color here. So I am just thinking ki main usse hi apna bronzer slash contour kar lu. Oh my god. मुझे काटना पड़ेगा क्या. सो दिस इज द पैलेट. आई हैव नेवर यूज्ड दिस पैलेट, बट द कलर स्कीम इज रियली नाइस. एंड इसमें फिल्म चढ़ी हुई है तो पहले हम वो उतार लेंगे. एंड ये अभी तक मैंने खोली भी नहीं है. This looks so pretty. I mean, this shade, the pink shade,
is looking so good. And we have the most unused thing on this planet Earth. ये तो मैं बिल्कुल भी use नहीं करने वाली हूँ कैसे भी करके. I'm gonna try with this brown shade right here and let's see how it goes. I'm picking the product very softly because मैं नहीं चाहती कि बाकी कोई भी शेड मेरे गालों पे लगे. I'm gonna dust it off. इतना ज़्यादा fall off नहीं है इस palette में. Oh, this is pigmented. Obviously eye shadow है तो थोड़ा ज़्यादा pigmented ही होगा. Oh, this is a very nice cool tone brown. It's nice. It's blending very nicely. ये काफ़ी ज़्यादा pigmented है. अब मुझे जितना मैंने लगाया है उससे भी कम लगाना चाहिए था. And I picked like इतना सा product. So my contour is done. I am really happy with this shade. Although it was very very pigmented, but still, you know, I managed somehow. And it's looking pretty. Like my apples are very prominent because of this. And yeah, now let me finish my base real quick with a transition, and we are going to go forward with our eyes. And I'm back. So for the eyes, I'm going to be using Mars Back to Basics eyeshadow palette. It has 12 beautiful shades. And ye sare ke sare shades mein itna kuch ho sakta hai. Like just look at the shades. You get a red shade, orange, all the neutral shades, and you also have shimmer shades. Now we are going to be using it on our eyes. So I'm just going to make like a very basic eyeshadow look. And for that, I'm going to be using this shade. Does have a lot of fallout. And I'm using a fluffy brush to pack this in. ये बिल्कुल मेरा skin shade है, so it's just going to set my eyes in right place. And now with a less denser brush, I'm going to be picking up this shade which I used for my contour. इस pan में काफी ज़्यादा fallout हो रहा है, but I don't mind it. मतलब pan में ही अगर होता है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता. If it ruins my face makeup, then it's a problem. So I'm just going to apply it. It's so pigmented. It's really nice. So I'm just going to apply it on my crease line. तो पहले मैं इसे बिल्कुल pack कर लूँगी and then I am going to blend this. It doesn't have any fallout on my cheek. तो वो बहुत अच्छी बात है because pan में जितना हो रहा था मुझे लगा था कि face पे भी उतना ही होगा. But it's blending very nicely and it does not have any kind of fallout. And now with this brush, I am going to pick the darkest brown shade which we have in this palette. And now I'm going to place this shade in the outer V of my eyelid and also in my crease. The colors are blending very nicely. I mean, for the price, it's a very nice, affordable palette, I must say. And अब मैं वही dark shade ले रही हूँ and I am going to smoke out my lower lash lines too. And now we are going to use shimmer. So इसमें भी काफी सारे shimmer shades हैं. I am just going to swatch all the shades for you. Wow, this white shade is stunning. I mean stunning. And this red shade too. ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. I want a liquid highlighter in this shade. And let's swatch some more. Oh, this is very smooth. The matte shades are like very smooth. So this is the matte shade and बाकी दो shimmer ही हैं. This is chalky but like जब मैं press कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा smooth था. And it's a very nice cool toned orange. But we are not going to try the shimmers of this palette as I have Mars का liquid eyeshadow. Now let's open it. कहाँ से खुलेगा भाई? All right, so I have the shade gold beams. It's so pretty. It looks so stunning. I mean, the shade is so golden. It's so nice. It's looking very pretty. But we have to see ke aankhon pe kaisa kaam karta hai. So let's open this. Oh, and by the way, I'm in the shade Gold Beam 02. Oh, satisfying. ये chrome finish बहुत ज़्यादा अच्छी है. I mean, it's so reflective. You can see me in the cap. Wow. I don't want to touch this. ये इतना अभी इतना साफ सुथरा सा है ना, मतलब fingerprint भी ऊपर लग गए हैं तो वो अजीब सा लग रहा है. I don't want to touch it. Anyways, let's just do a swatch first. Where can I do it? Let's do it here. I am having mixed feelings because of this shade. I mean, it's super gold. और मेरी आँखों पे अभी ये पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा. It's super
सुपर नाइस एंड इट्स नॉट सेटिंग अप लाइक रियली क्विकली. जो मैंने आई शेडोज यूज करे हैं, लिक्विड आई शेडोज, पहले वो लगाते ही सूख जाते हैं. इट्स नॉट डूइंग दैट. ऑलराइट, लेट्स जस्ट ट्राई इट. आई एम गोना ट्राई इट विद अ ब्रश. इट्स अ वेरी फ्लैट एंड वेरी थिन ब्रश, सो आई गेस इससे काम हो जाना चाहिए. तो पहले हम लगाएंगे ब्रश से एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक सम प्रोडक्ट ऑन दिस. द वॉन्ड इज लाइक मुड़ी हुई, पता नहीं क्यों. ऑलराइट गाइस, ये इतना ज़्यादा फैल रहा है. मतलब मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया था अपने ब्रश पे एंड इट्स जस्ट आई मीन वाव, इट इज़ लुकिंग लाइक मैंने गोल्ड फॉइल लगा ली है अपने आईलिड्स पे. एप्लीकेटर से भी ठीक ठाक लग रहा है बट आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट विद माई ब्रश ओनली बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू रूइन दिस मेकअप. So yeah, this is how my eyes are looking and I wanna give this palette a solid 10/10 and also to the liquid eyeshadow 10/10 because these are like supremely pigmented and काफ़ी अच्छे से मेरी eyes पे work करी हैं. Palette में कोई भी fallout नहीं हुआ, pan में काफ़ी ज़्यादा fallout था but on my cheek there is nothing and the liquid eyeshadow is straight up bomb and yeah, I love these two pieces and you are going to see these two products quite a lot in my makeup routines now. And now we have the Mars eyeliner. So it claims to be waterproof, smudge proof and this has ultra fine tip. Yahan par puri body is like very plasticky wali and yahan par inhone matte finish de rakhi hai and also they have this thoda sa round type ka edge taki pakadne mein aasani ho. Ye bahut smooth hai pakadne mein. I mean it's nothing very oh my god ye kya hi pakda diya but it's nice. So yeah, let's do a swatch first. Oh, jagah nahi bachi. Oh nice. It is actually very thin. Can you see this line? मैंने बस ऐसे ही बना दी and it's very thin. Usually जो मैं pen eyeliners use करती हूँ उनका जो tip होता है वो काम नहीं करता if you use it on a 90 degree angle but this one is very nice. I'm impressed. It's already like a 10/10 from me but still देख लेते हैं. सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है कैमरा पे करना that is applying eyeliner. So please bear with me. Yeah, it is actually very thin. It's so precise. I mean, this is by far my most favorite product in this whole video because baki sare products are like okay kyunki aur bhi palettes hoti hain jo pigmented hoti hain but this pen eyeliner is I haven't मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे हैं. ऑल राइट, सो ऐसा आई लाइनर मैंने कभी भी नहीं यूज करा है. आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड विद दिस लाइनर. आई हैव ट्राइड पेन लाइनर्स लेकिन जो इसका टिप है आई एम लाइक वेरी इंप्रेस्ड कि इसका टिप भी मतलब इतना सुप्रीमली पिगमेंटेड है. And I have never seen a perfect tip like this. Just wanna say this. It's like 10/10. मैं पहले भी बोल चुकी हूँ but it's just I'm impressed. And also उसमें लिखा था कि ये smudge proof है and waterproof है. So let's try it out also. So मैंने यहाँ liner लगा लिया है. सूख चुका है liner and oh, it is actually smudge proof. Oh, दिख भी नहीं रहा था. So yeah, it is definitely smudge proof and waterproof का भी test कर लेते हैं. So let's go. तो मैंने रेटिंग तो इसकी पहले ही कर दी है. सो अगेन आई एम गोना गिव इट अ 10/10 एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा एंड फॉर मस्कारा आई हैव द मार्स फैब्यूलैश मस्कारा. आई लव द नेम. और सारी ही पैकेजिंग जो है ना ये बहुत क्रोम वाली फिनिश की है, रोज गोल्ड क्रोम जो भी कलर होता है ये. तो आई क्वाइट लाइक दिस पैकेजिंग एंड वी आर गोइंग टू ओपन इट नाउ. अगेन द वेरी नाइस पैकेजिंग, ब्लैक विद रोज गोल्ड. Let's open it first. I love the cap of this. It's so nice. काफी अलग डिजाइन है. I mean पकड़ने में बहुत अजीब लग रहा है बिकॉज टेढ़ा है ये बट या whatever. Now let's see the product because हमें ज्यादा इंटरेस्ट प्रोडक्ट में है ना कि उसकी पैकेजिंग में. इसकी wand काफी ज्यादा अलग है. I mean it actually looks like a comb and the wand is very different from the ones that I have used in the past. So let's see how it works. मैं वैसे तो इसमें ज्यादा प्रोडक्ट नहीं आया था which is a good thing but still I'm just going to remove the excess जो भी अगर हो कुछ. The bristles are so hard in this. I mean I haven't seen or used
और हर्ड अबाउट दीज ब्रिसल्स. आई डू फील कि इससे लैशेज जो है वो क्लम्प नहीं होंगी. सो आई एम गोइंग टू यूज द लोअर पार्ट ऑफ द वॉन्ड. फर्स्ट इम्प्रेशन इट इज स्मूथ. ये जो वॉन्ड है वो एंड से भी काफी ज्यादा बड़ी है, तो कॉर्नर्स में लगाने में मुझे काफी दिक्कत आई है. मेरा थोड़ा सा नोज पे भी लग गया है, बट द मस्कारा इज रियली नाइस. सो मैंने अपनी लैशेज कर्ल नहीं करी थी, एंड दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर. आई होप कि आपको ढंग से दिख पा रहा हो कैमरा में, बिकॉज मैंने लाइनर लगा रखा है तो उसकी वजह से लैशेज जो हैं वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखेंगी. बट Yeah, so this is my final look and I'm gonna rate this mascara 7.5. मुझे wand इसकी काफी ज्यादा पसंद आई, इसके bristles काफी ज्यादा अच्छे हैं, formulation काफी ज्यादा अच्छी है, but it's just कि जो wand का tip है वो एकदम से flat है and जो inner corners होते हैं वहां पर ये काफी अच्छे से नहीं लगा पाता है and सारे में लग जाता है. मेरी nose पे लग गया, इस आंख पे, eyelid पे भी लग गया था. So I just feel कि अगर वो tip triangular होता तो वो ज्यादा अच्छे से reach out कर पाता है, अगर वहां पे भी bristles होते तो काफी ज्यादा बेटर हो जाता है. एंड आई वुड हैव गिवन इट अ 10/10. अगर मैं उस टिप को हटा दूं तो ये मस्कारा काफी ज्यादा अच्छा है. सूखने में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट स्टिल इट इज लाइक वेरी नाइस. एंड फॉर द प्राइस अगेन इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी नाइस क्वालिटी. सो या आई एम गोना गिव इट अ 7.5 जस्ट बिकॉज ऑफ द टिप. सो टू कंक्लूड, कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, लाइक द आई शेडोज एंड द लाइनर. लाइनर वॉज द स्टार ऑफ दिस वीडियो, आई मस्ट से. आई मीन इट्स वेरी वेरी नाइस. एंड जो उसकी टिप है, मुझे अभी तक मैं ऐसे ना खोई हुई हूँ उसकी टिप में कि टिप कितनी ज़्यादा अच्छी थी. एंड द आई शेडो पैलेट इज ऑल्सो वेरी पिगमेंटेड, फॉल आउट बिल्कुल भी नहीं होता है चीक्स पे. द लिक्विड आई शेडो वॉज ऑल्सो वेरी गुड. द ब्लेंडर वॉज ओके, आई मीन इट वॉज नथिंग फैबुलस और नथिंग लाइक ओ ये तो बहुत ही खराब है, वैसा भी कुछ नहीं था. एंड द मस्कारा वेल वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर उसकी टिप ठीक हो जाती तो उसे टिप काफी अच्छी मिल जाती. So yeah, with that I end this video right here. If you enjoyed watching this video, then you know what to do. Like this video, share this video and subscribe to my channel Chilbi. I will meet you in an amazing video next time. Till then, stay safe, stay home. I love you all so much. Bye.